वेल हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डॉग गेमिंग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत है एआर के मोबाइल के एक और एपिसोड में। एंड अगर आप पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे तो जाओ चेकआउट करो, क्योंकि पिछले वाले एपिसोड में हम दो रैप्टर को टेम किए थे एंड वो भी काफी ईजी वे में हम टेम किए थे। कहा गए थे एंड किस तरह हम रैप्टर को टेम किए थे एंड कितने ईजी वे में बिना कोई केबल के हम रैप्टर को टेम किए थे, वो सभी चीज़ें आप मिस नहीं करना चाहते हो तो जाके पिछले वाले एपिसोड चेकआउट कर लो। एंड जितने भी नए व्यूअर्स हैं उन लोगों को बता देते हो कि इस सीरीज़ के रिगार्डिंग ये जो सीरीज़ है यार के मोबाइल 100 डेज चैलेंज है एंड यहाँ पे मैं मर नहीं सकता एंड काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं। अगर वो सभी चीज़ें आपको देखना हो तो फर्स्ट एपिसोड से आपको देख लो एंड वरना आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं, लाइक एंड स्क्रीन में आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट। वरना आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में गए तो आपको सारे के सारे वीडियो का आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जो प्लेलिस्ट देखना है वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड पिछले वाले एपिसोड में हम लेवल 38 तक पहुँच गए थे एंड अगर आप पेयर की खेलते हो तो आपको समझ आ ही गया होगा एंड तू हर वीडियो के अंदर क्या है भाई तेरा। ओके एंड कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि भाई गर्लफ्रेंड का फ़ोन है, बट मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो ऐसे कमेंट करना बंद कर। मोस्टली कोई डिस्कॉर्ड पे मुझे मैसेज कर रहा होगा या यूट्यूब पे कोई कमेंट किया होगा, सो बेसिकली उसी का मैसेज रहता है। तो आपके दिमाग में जितने भी कन्फ्यूजन है वो निकाल के रख दो भाई, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। सो ये बता रहा था कि पिछले वाले एपिसोड में हम 38 लेवल पे पहुंच गए थे एंड ऑलरेडी हम एक 140 लेवल का टेराडोन को टेम किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली तब हमारे पास सेडल नहीं था क्योंकि हम आई थिंक 37 या 36 लेवल पे थे, बट फाइनली वी आर 38 एंड अब हम एक फ्लायर को राइड कर सकते हैं। इससे भाई काफ़ी ज़्यादा ही आसान होगा एक्सप्लोरेशन वगैरह जो भी चीज़ है वो सारे के सारे चीज़ करना। ओके अभी इस एपिसोड के बारे में हम बात कर लेते हैं। थंबनेल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि इस एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं। सो बेसिकली एक डोडियो क्रश को टेम करेंगे क्योंकि सून इनफ हम एक बढ़िया सा बेस बिल्ड करने वाले हैं। एंड पिछले वाले एपिसोड में मैं बता रहा था कि भाई हम बेस लोकेशन शिफ्ट करेंगे, बट मेरे दिमाग में एक बढ़िया सा प्लान आ चुका है जो कि इसी लोकेशन पे एक बढ़िया सा वाटर बेस बनाएंगे, लाइक पानी के ऊपर एक बढ़िया सा बेस बनाएंगे। ऑलरेडी मैं एक बार कर चुका हूँ ये चीज़, लाइक ऑफलाइन में किया था, काफ़ी पुराना चीज़ है, बट अभी लेट्स सी वो कितना एफिशिएंट रहेगा इस सीरीज़ के अंदर। लाइक अभी फ़िलहाल के लिए जितने भी रिसोर्सेस वाले क्रिएचर है ना वो सभी मुझे टेम करना चाहिए, लाइक एंकलोसॉरस आ चुका है हमारे पास एंड बेरीज वगैरह इकट्ठे करने के लिए हमारे पास ट्रेजर ड्रॉप्स है एंड स्टेगोसॉरस है, उतना दिक्कत वाली बात है नहीं है। एंड उड़ने के लिए हमारे पास ऑलरेडी टेराडोन है, तो आगे आने वाले दिनों में हम अर्जेंट्रबिस को भी टेम करेंगे एंड और भी आगे आने वाले दिनों में हम ग्रिफिन्स को भी टेम करेंगे। ये सभी चीज़ें आप मिस नहीं करना चाहते हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड उसके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड थोड़ा सा ट्रैंक एरोस चाहिए हमें क्योंकि हमारे पास ट्रैंक एरोस की कमी है एंड नार्कोटिक्स का कोई दिक्कत होने वाला है नहीं क्योंकि हमारे पास बेरीज जो है इकट्ठे करने के लिए ऑलरेडी डेनोस है, बट हमारा जो फार्म है भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रही है एंड यहाँ पे दो मैंने नार्कोबेरीज लगा चुका हुआ एंड प्रॉबली मुझे 500 तक का इजीली मिल जाएगा। एक के अंदर 299 है ऑलरेडी भाई साहब, लाइक हम एक सून इनफ एक ग्रीन हाउस बनाएंगे एंड जितने भी एआरके के अंदर क्रॉप्स है ना सारे के सारे क्रॉप्स वहाँ पे उगाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे दो ही क्रॉप्स है तो प्रॉबली वो सिटरनल चूज़ करेगा कैरोट से, बट दोनों ही इनकेस रख लेते हैं एंड थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं एंड आपको मैं डायरेक्टली मिलूँ। काफ़ी सारे एआरके में नए प्लेयर्स हैं, उन लोगों को पता नहीं होगा कि ये जो टेराडोन है इसका सेकेंडरी अटैक भी है जो कि बैरल रोल। ये सिर्फ और सिर्फ पीसी के अंदर ही नहीं है, एआरके मोबाइल के अंदर ही है। आपको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल के अंदर जाना है, वहाँ पे आपको चूज़ करना है लाइक लेफ़्ट मल्टी टैप या राइट मल्टी टैप के अंदर अटैक 2 लगा देना है वहाँ पे एंड दैट्स इट, अप्लाई कर दो एंड आपके पास ये जो बैरल रोल है आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ही सिंपल है, कंट्रोल के अंदर जाओ एंड वहाँ पे लेफ्ट मल्टी टैप एंड राइट मल्टी टैप के अंदर वो जो चूज़ कर लो एंड दैट्स इट एंड अप्लाई कर दो एंड आपके पास ये जो सेकेंडरी अटैक है अनलॉक हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द क्रिएचर्स के पास सेकेंडरी अटैक रहता है, बट यह है कि हमें जितने भी नए प्लेयर्स हैं उन लोगों को पता नहीं होगा, सो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं एंड जब भी कोई क्रिएचर को आप रेड करते हो ना सेकेंडरी अटैक ट्राई करना। अभी मेरा प्लान काफ़ी ज़्यादा ही सिंपल है, हम जाएंगे रेडवुड के अंदर क्योंकि वहाँ पे भाई लिटरली इजी वे में हम डोडियो क्रॉस मिल जाएगा वहाँ पे एंड टेम करने में काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल रहेगा, बट ढूंढना काफ़ी ज़्यादा इजी है वहाँ पे। तो प्रॉबेबली मुझे हाई लेवल या मैक्स लेवल ही नहीं चाहिए, कोई भी डोडियो क्रॉस चलेगा एंड या काफ़ी ज़्यादा ही कम लेवल का मैं टेम नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वेट स्टैट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसका। सो इसलिए थोड़ा डिसेंटिश लेवल का हम टेम कर लेंगे, लाइक 50-60 चलेगा इतना लेवल का। एंड ग्राफिक्स कम करने के बाद भी भाई काफ़ी ज़्यादा ही लैग हो रही है मोबाइल, आई हैव लिटरली नो आइडिया भाई।
मैं सारे के सारे एप्लीकेशंस बंद कर दिया हुआ एंड या थोड़ी देर के बाद प्रॉबली ये ठीक हो जाएगा। इस सीरीज के अंदर ना ये की बार मैंने ड्रॉप ओपन किया हूँ, ये हमारा सेकंड टाइम है ड्रॉप ओपन। व्हाट द या हाँ मेरा लक कितना बेकार है ना भाई, क्या कर सकते, गेम हिट्स मी बट आई कॉन्ट हिट यू। या मजाक साइड पे रखते, काफ़ी ज़्यादा क्रिंज था वो। ओके अभी हमारा जो डोडिया क्रश ढूंढने का मिशन है वो हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ गलत फंस गया मैं यहाँ पे, क्योंकि ये अल्फा कार्नोटोसॉरस है यहाँ पे एंड यहीं पे जो डोडिया क्रश है 50 लेवल का है। हाँ मुझे इसको टेम करना चाहिए था बट या लेट्स सी, इसको थोड़ा सा या प्रोलोविया भाई तो मेरे पीछे क्यों आ रहा है भाई, छोड़ ना मेरे पीछे छोड़। अभी टास्क काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसको शूट करूँगा एंड नीचे लेके जाने की कोशिश करूँगा, होप करें कि मेरे पीछे कोई क्रिएचर ना आए वरना काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत होगी। ओ अल्फा कार्नोटोसॉरस उसको मार दिया भाई, यहीं पे आएगा, सबसे पहले इसको नीचे लेके चलते हैं एंड यहाँ पे प्रॉब्ली ओह एक और है यहाँ पे। ओके 40 लेवल का बट हम इसी 50 लेवल का ही टेम कर लेंगे। यप लगा ही था मुझे लाइक इतना बढ़िया लग हो ही नहीं सकता मेरे लिए, लाइक हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी या आएगी। ओके अभी आई थिंक यहाँ पे कोई नहीं है बट वहाँ पे टेरर बर्ड्स है, तो सबसे पहले इस डोडियो क्रश को हम यहाँ पे लेके आएंगे एंड वो डोडियो क्रश तो भाई तेरी माँ का। ओके ओके कंट्रोल, थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हैं एंड इसको मारेंगे भाई। इसका नॉकबैक काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है एंड तू टेराडॉन तू पैसिव पे रहे भाई। अगर आपके पास अर्जेंट ट्रेविस हो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस डोडियो क्रश को आप उठा के लेके जा सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए मेरे पास टेराडॉन है वो दिक्कत वाली बात है। अभी इसको यहाँ पर प्रोटेक्शन भी देना पड़ेगा, वो एक दिक्कत वाली चीज़ है, लाइक काफ़ी ज़्यादा ही टेरर बर्ड्स घूम रही है एंड ऊपर अल्फा कार्नोटोसॉरस है एंड दुनिया भर के कार्नोटोसॉरस यहीं पे घूम रहा है। आई हैव लिटरली नो आइडिया क्यू बट या द गेम जस्ट वांट्स मी टू डाई। सो फाइनली हम डोडियो क्रश को नॉक कर चुके हैं एंड गिव बैक माई एरोस। ओ भाई कोई ना रहा है। ओके गैलीमिमस भाई, ये गैलीमिमस काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत कर रही है यहाँ पे। लाइक मेरे पास अभी दो ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन ये जो स्टेगोसोरस एंड रैप्टर को यहाँ पे बुलाने का, और हम स्पाइक वॉल्स बना सकते हैं। लाइक स्पाइक वॉल्स बनाना काफ़ी ज़्यादा ही सिंपल है, लाइक 14 या 15 लेवल पे अनलॉक होता है ना, कहाँ पे या 13 लेवल पे अनलॉक होता है एंड प्रॉबली मैं यहाँ पे इसको बना सकता हूँ। लेट्स सी फाइबर हाइट तो मेरे पास भर भर के है, लाइक काफ़ी सारे क्रिएचर्स को मैं यहाँ पे मारा था एंड इसके इन्वेंट्री के अंदर हाइट है एंड फाइबर इजीली मिल जाएगा एंड वुड भी इजीली मिल जाएगा, या कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे 3 या 4 चाहिए, दैट्स एनफ। ही शी इट जो भी हो आप थोड़ा पानी से बाहर आ सकते हैं, थोड़ा सा मुझे फॉलो कर सकते हैं क्या। हेलो कार्नोटोसॉरस या आ जा। ओके थोड़ा दूर लेके चलते हैं इसको एंड उसके बाद हम फिर से वापस जा सकते हैं, वरना ये काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत करेगी, वो तो भाई लिख के देता हूँ मैं। एंड टेराडॉन से अटैक करना काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है क्योंकि ये बैठ के अटैक नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग पोजीशन के अंदर ही अटैक कर सकता है एंड काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत वाली बात है कंट्रोल करने में। लाइक पिकैक्स या एक्स दोनों में से एक आपके इन्वेंट्री के अंदर होना काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरत है। लाइक अगर आपके एक वेपन हो तो आप दूसरे वेपन ईजिली क्राफ्ट कर सकते हैं, लाइक स्टोन का भी आप क्राफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए मुझे थोड़ा ही रिसोर्सेस चाहिए एंड स्टोन एक्स भाई काफ़ी है मेरे लिए अभी। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप छोड़ने वाला हूँ ताकि मैं अंदर एंड बाहर आ सकूँ एंड जब भी ये अनकॉन्शियस रहता है ना, लाइक अनकॉन्शियस बार नीचे जाता है ना जाके मुझे बेरीज वगैरह जो है खिला सकूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने गैप लिया हूँ बट आई डोंट थिंक वहाँ पे कोई क्रिएचर पास करा पाएगा उतने छोटे गैप से। ये जो ड्रॉप है अभी फ़िलहाल के लिए बैरियर तरह काम कर रही है, लाइक वो जो स्कॉर्पियन है यहाँ पे पास नहीं कर पा रहा, तो आई डोंट थिंक आसपास कोई क्रिएचर है तो मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, तो लेट्स टेक द रिस्क। काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक रिस्क है ये या काफ़ी घटिया मिला है, इतना रिस्क की कोई ज़रूरत नहीं थी बट चलेगा, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, बट यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि ये गेम है एंड द गेम जस्ट वॉन्ट्स मी टू डाई। आई होप इससे हमें थोड़ा सा एम्बर मिल जाएगा, अगर मुझे 10 एम्बर होगा ना भाई हम एक सूदिंग बॉम्ब ले सकते हैं एंड मैं हाई टीयर वाला सूदिंग बॉम्ब यूज़ नहीं करना चाहता। ओके 2 मिला है एंड एक स्कॉर्पियन का सडल मिला है हमें, या नॉट बैड बट स्कॉर्पियन कौन यूज़ करेगा भाई। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक एम्बर चाहिए अभी, ऑलरेडी 9 एम्बर आ चुकी है एंड एक एम्बर से हम वो जो सूदिंग बॉम्ब है इंटू 3 वाला उसको यूज़ कर सकते हैं। या नॉट बैड 42 आर्मर
एंड घर पे इंटू 10 वाला सूदिंग बॉम्ब है, बट उसको या डोडो ब्रश के ऊपर, वो भी 40 लेवल के ऊपर भाई यूज करने वाला हूँ नहीं मैं। जस्ट गिव मी वन एम्बर भाई प्लीज। अरे यार एक एम्बर दे दे यार, जल्दी हो जाएगा वो टेम। प्रॉबली इस पर भी नहीं मिलेगा हमें, या आई थिंक सो, लेट्स सी। या नहीं मिला बट या ले लेते हैं डेनोगेट्स, कभी काम आ जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं उनको अनलॉक तो नहीं करने वाला हूँ, तो डायरेक्टली कभी ना कभी चाहिए तो हम डायरेक्टली इसी से यूज़ कर सकते हैं। लाइक प्रॉबली मैं स्टोन का यूज़ करूँगा, बट यार रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक वो जो रिंग वाले रहता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा आपको एम्बर मिलने का चांसेस रहता है, बट या इसके अंदर भी है नहीं। ये थोड़ा सा रिस्की है ड्रॉप लेने का, लाइक पूरा स्वॉम्प है, प्रॉबली सार्को या कैप्रो हो सकती है यहाँ पे ऑलरेडी कोई। यार या मेरा लग कितना घटिया है ना भाई, क्या कह सकते हैं। नहीं अभी तो ये आदत हो गई है। ये देखो भाई कितना एक्सप्लोरेशन कर रखा हूँ ऑलरेडी। एंड बाय द वे हम डे 13 भी ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, डे 12 कंप्लीट हो चुका है। एंड डे 13 सेकेंड पार्ट बनाना भाई कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इसको टेम होने तक मैं कहीं पे भी दूर नहीं जा सकता एंड कुछ काम भी नहीं कर सकता, मुझे बार बार यहाँ पे आके चेक करना पड़ेगा। एंड इसीलिए मैं इसी रेडियस के अंदर ही हूँ, लाइक रेडवुड के पास में ही हूँ। एंड ये जो क्रिएचर है काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सून इनफ लाइक 20 एपिसोड के अंदर ही एक बढ़िया सा बेस बिल्ड करने वाले हैं। सो इसीलिए हम इस एपिसोड के अंदर ही इसको टेम कर लेंगे, लाइक प्रॉबली 2 दिन यहीं पर चले जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई टेरर बर्ड्स क्या कर रहे हो यार, प्रॉबली इसको डैमेज नहीं कर सकते, तो या आई थिंक हमारा जो डोडियो ग्रश है ऑलमोस्ट सेफ है, लाइक 99% सेफ होगा, बट 1% भाई कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये आर्क है। प्रॉबली ये टेक डाउन कर पाएगा, प्रॉबली आई थिंक सो। सो आस पास उनको है यहाँ पे, ओ भाई साहब मार दिया, प्रॉबली उसके अंदर एक हाई लेवल का होगा। टेम करे क्या टेरर बर्ड को भी, लाइक टेम किया तो थोड़ा सा बढ़िया कलेक्शन हो जाए। 145 लेवल का टेरर बर्ड, टेम तो कर सकते हैं इसको। क्या करे, टेम करे क्या इसी एपिसोड के अंदर, बट प्राइम मीट का दिक्कत है, मेरे पास केबल भी है नहीं एंड प्राइम मीट इकट्ठे करना काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है, एंड हमारे पास उतना टाइम भी है नहीं, तो या आई डोंट थिंक हम टेरर बर्ड को जो है टेम कर पाएंगे। अभी देखिए सिर्फ और सिर्फ 50% हुआ है भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है इसके अंदर तो। हाँ लेवल 10 है, हम इजीली इसको टेक डाउन तो कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे काफ़ी सारे पेल्ट चाहिए, क्योंकि पेल्ट आर्मर भी बनाना है हमें। एंड सून इनफ हम एक एडवेंचर के लिए निकलने वाले हैं, सो या प्रॉबली मुझे काफ़ी सारे पेल्ट चाहिए अभी। ओके ये टाइम नहीं होने वाला है तो इसको मार देते। हेलो डायरेक्ट हिट था भाई वो, एक सेकेंड इसको लग रहा है, नहीं तो फिर इसी को लग रहा है ना यार। एक सेकंड क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, कोई ग्लिच है। एंड ये डिमॉर्फोडॉन भाई इनविंसिबल बन चुका है। ओके अभी लग रहा है कोई ग्लिच होगा, वो प्रॉबली कभी कभार हो जाता है क्योंकि यार के उतना ऑप्टिमाइज्ड गेम है नहीं। एंड अपडेट के चक्कर में भाई काफ़ी घटिया कर रही है यार के वालों ने, क्या हो रहा है पता नहीं यार के अंदर। यार ये पीसी के अंदर डिसेंटिश अमाउंट ऑफ अपडेट आ रही है, ठीक ढंग का ये हो रहा है, बट ये आर के मोबाइल इतना स्टेबलाइज था जो कि 2019 एंड 2020 तब काफ़ी ज़्यादा ही स्टेबल था ये आर के मोबाइल, बट अभी क्या हो रहा है आई हैव लिटरली नो आइडिया, क्योंकि एंड्रॉयड 14 के अंदर ये आर के मोबाइल नहीं चल रहा। एंड उसके अलावा ये जो जितने भी लेटेस्ट स्मार्टफोन है लाइक फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर भी ये आर के मोबाइल नहीं चल रहा, लाइक उतना ऑप्टिमाइज है ही नहीं। लाइक मेरा एंड्रॉयड 13 है, एक का एंड्रॉयड 11 है जो कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये एंड्रॉयड 11 है एंड मेरा नया फ़ोन एंड्रॉयड 13 पे चल रहा है लावा ब्लेस का। सो दोनों के अंदर यार के मोबाइल चल रहा है। एंड मेरा जो टैब है एमआई पैड 5 वो भी एंड्रॉयड 13 है एंड उसके अंदर भी यार के मोबाइल चल रही है, बट ये जो जितने भी एंड्रॉयड 14 है ना उसके अंदर भाई लिटरली नहीं चल रहा, मुझे काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे। सो इसीलिए ये जो टॉपिक है मैं यहाँ पे लेके आया। एंड आई थिंक अनदर वन इनविंसिबल कॉम्पी ऑलरेडी डेड हो चुका है, बट फिर भी भाई क्या हो रहा है, आर्क अपडेट के नाम पे क्या क्या लेके आ रहे हो, क्या कर रहे हो, लिटरली हैव नो आइडिया। लाइक बेड के एनिमेटेड सीरीज बना रहा है एंड आर्क असेंडेंट के ऊपर अपडेट लेके आ रहा है, स्पॉटलाइट लेके आ रहा है, भैंस क्या कि यार के मोबाइल टीम करोड़, काफ़ी सारे फैन बेस है यार के मोबाइल के अंदर। एंड ये जो हरकत कर रहे हैं ना यार के वालों ने,
इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो फैंस है ड्रॉप कर रहे हैं यार के मोबाइल को। ओ मैंने गलत पंगे ले लिया, ओ फक, नहीं, मार दो भाई साहब। डेयर बेयर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर इन एयर के, लिटरली 35 लेवल का था एंड इतना डैमेज, दो ही हिट में मुझे भैंस की आँख। कौन कौन अबे कॉम्पी तेरी क्या भाई, मेरी शिकार है वो, निकल यहाँ से। ऑलोसोरस कार्नोटोसोरस के बीच में उतर रहा हूँ एंड फिर भी भाई लक देखो मेरा, चलो निकलते हैं यहाँ से। एंड काफ़ी सारे लोग ये पूछ सकते हैं कि भाई तू इतना कम लेवल का क्यों टेम कर रहा है, सो आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि कितना लेवल का मिल रहा है मुझे। ये देखो 10 लेवल का एंड यहाँ पे 50 लेवल का एंड यहाँ पे एक और 10 लेवल का, लिटरली मुझे मैक्सिमम लेवल 50 ही मिला है, उससे हाई लेवल का अभी तक मुझे दिखा ही नहीं है। सो इसीलिए वो जो 40 लेवल का है उसको मैं टेम कर रहा हूँ। ओके 96 लेवल हो चुका है एंड अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास एक प्लान है, जितने भी मुझे ज़रूरतमंद रिसोर्सेस चाहिए वो सारे के सारे लेके मैं घर निकलने वाला हूँ एंड ये टेम हो जाएगा, तब हम इसको डायरेक्टली हम घर पर टेलीपोर्ट कर लेंगे। सो अभी क्या क्या लेंगे यहाँ पर, सारे के सारे जो जितने भी रिसोर्सेस है ये भी ले लेते हैं एंड सिटर्नल ये भी दे दो भाई, आई थिंक 20 इज़ एनफ। या सारे के सारे पैलेट हाइड भाई, जितने भी मुझे रिसोर्सेस के सामान है ना सारे के सारे से लेके चलते हैं। सो वी आर फाइनली बैक टू बेस भाई, काफ़ी ज़्यादा ही ओवरवेट हो चुका हूँ मैं। अच्छी बात यह है कि मैं जितने भी पॉइंट्स आ रहा था ना सारे के सारे वेट पे डाल रहा था टेराडॉन का, जो इसीलिए ईजिली कैरी कर पाया मुझे, वरना काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत वाली बात थी क्योंकि टेराडॉन का वैसे ही ये जो वेट है काफ़ी ज़्यादा ही कम रहता है। तो चलो अभी हमारा जो ड्योडियो क्रश है उसको बुला लेते हैं, ऑलरेडी टाइम हो चुका है एंड 59 लेवल का हो चुका है एंड अभी हमारे पास एक बढ़िया सा स्टोन इकट्ठे करने वाला डाइनो आ चुका है एंड अभी सिर्फ और सिर्फ हमें वुड चाहिए, उसके बाद हम डायरेक्टली घर जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे एंड वो भी हमारा जो एक मिशन था जो कि एक बढ़िया सा बेस बिल्ड करने का। सो मैं प्रॉबली थिंक कर रहा हूँ कि एक बढ़िया सा एक वाटर बेस बनाएंगे। कोई अंडा नहीं है भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, घर पे बैठ के यार एक अंडे तो दे दो। कोई ना, चलो अभी रैप्टर का अंडा आ चुका है हमारे पास एंड उससे हमारा जो एक परस्यूट है रैप्टर के अंडे से वो भी हमें कंप्लीट करना है। तो प्रॉबली हम नेक्स्ट एपिसोड में वो सारे के सारे चीज़ कर लेंगे, जितने भी केबल के रिलेटेड चीज़ है ना वो सारे के सारे चीज़ हम नेक्स्ट एपिसोड में कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डोडो का अंडा आ चुका है, पैरासोर का अंडा आ चुका है एंड रैप्टर का भी अंडा आ चुका है। आई थिंक हमें एक डिलोफोसोरस का अंडा चाहिए, उसका मिशन है कि नहीं मैं भूल चुका हूँ, बट अगर हो तो हम प्रॉबली ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड फाइनली हमारा जो डोडियो क्रश है आ चुका है एंड अभी हम कोई दिक्कत नहीं है, लिटरली हम ईजिली जितने भी स्टोन्स है वो इकट्ठे कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका सिंपल एक ही अटैक है जो कि टेल से अटैक करता है, बट इसका स्पेशल एबिलिटी ये है कि ये रोल कर सकता है। प्रॉबली ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों को इसके रिगार्डिंग पता चल चुका होगा। सो बेसिकली ये रोल भी करता है एंड एक और चीज़ है डोडियो क्रश का, पानी के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से स्विम कर लेता है, कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द डाइनोस जो कि लैंड क्रिएचर है ना उससे भी काफ़ी बढ़िया ये पानी के अंदर स्विम कर लेता है। ज़मीन के अंदर ये चलना काफ़ी घटिया है बट पानी के अंदर लिटरली ओपी स्विम करता है ये। एंड ये देखो भाई साहब, अभी हमारे लिए ये जो स्टोन का है कोई दिक्कत नहीं होगी एंड बाय द वे हम स्टोन एंड वुड कंबाइन करके बेस बनाएंगे, सो या इसीलिए हमें काफ़ी ज़्यादा ही स्टोन की ज़रूरत है एंड उसके अलावा वुड की, बट उसके रिगार्डिंग हम सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं वुड के लिए। एंड अभी सिर्फ और सिर्फ इसका वेट ही बढ़ाऊंगा क्योंकि वेट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ये कोई फाइटिंग क्रिएचर है नहीं है, तो या स्टैमिना एंड हेल्थ ठीक है। एंड इसका एक और स्पेशल एबिलिटी है जो कि स्टोन का जो वेट है ये रिड्यूस कर देता है। ये देखो मेरे इन्वेंट्री के अंदर 332 एंड सारे के सारे यहाँ पर ट्रांसफर करने के बाद 83 भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा ही ओपी है। एंड इसका एक और अजीब चीज़ है कि इतना छोटा है एंड इतना बड़ा पूप करता है, आई हैव लिटरली नो आइडिया क्यू, बट या इट इज़ व्हाट इट इज़। सो या गाइस, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। इस एपिसोड में भाई हम काफ़ी सारी चीज़ कर चुके हैं, एक्सप्लोरेशन कर चुके हैं एंड एक बढ़िया सा डोडियो क्रश को भी टेम कर चुके हैं एंड रेडवुड के अंदर टेम करना भाई कोई आसान चीज़ है नहीं, काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक क्रिएचर रहता है एंड उन सारे के सारे क्रिएचर से बच के इसको टेम करना लिटरली काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है। एंड बाय द वे ये जो फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ का जो कि 2 दिन का कंबाइंड वीडियो था। सो गाइस, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। इस एपिसोड में भाई हम काफ़ी सारी चीज़ कर चुके हैं
अगर इसी तरह का आप गेमिंग एपिसोड वो भी हिंदी कमेंट्री के साथ देखना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड उसके साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड उसके अलावा इस चैनल के अंदर ऑलरेडी 4 कंटिन्यूस सीरीज चल रहा है, जो कि यार के पीसी का 2 सीरीज चल रहा है, यार के मोबाइल का यानी कि ये वाला सीरीज यार के 100 डेज का चल रहा है, एंड उसके अलावा पैल वर्ल्ड का हमारा जो नया सर्वाइवल सीरीज हम स्टार्ट किए थे, या काफ़ी ज़्यादा ही कम व्यूज़ आ रहा है उसका, बट हम ऐसे तैसे करके उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। एंड उसके अलावा इस चैनल के अंदर ऑलरेडी 2 सीरीज पॉज पे है, जो कि GTA 5 एंड NFS पे बैक, वो भी सून इनफ आ जाएगा। एंड एक नया सीरीज स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, बट अभी तो फिलहाल के लिए प्लान है। तो ये सभी चीज़ें आप मिस नहीं करना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, एंड उसके साथ ये वीडियो का ना जितने हो सके उतना शेयर करो। उसके अलावा भाई कमेंट सेक्शन में जाओ एंड बताओ कि इस वीडियो किस तरह लगा आपको, लाइक क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए एंड क्या आपको पसंद आया इस वीडियो के अंदर। एंड अगर आपके पास कोई टिप्स ट्रिक्स ट्यूटोरियल्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो या गाइस, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। भाई काफ़ी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, तो या अभी हम यही पे वीडियो को एंड करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन जाकर मत भूलना, वहाँ पे एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड उसके अलावा मेरा 2 यूट्यूब चैनल है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना वहाँ पे भी। एंड मेरा 2 सोशल मीडिया का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टा एंड ट्विटर, सॉरी एक्स नाम क्यों चेंज किया पता नहीं, बट या अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो जाके वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय। अगर आप इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो।